हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज केमिस्ट्री सेशन फॉर क्लास टेंथ। टुडे आई एम हियर विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आई हैव सेलेक्टेड द टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फ्रॉम दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विच मे कम इन बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन वन, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। दिस इज क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के पहले सैंड पेपर से क्यों उसको साफ किया जाता है, क्यों रब किया जाता है। ओके, सो सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज अ थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस एंड सो इट इज रब्ड विथ सैंड पेपर टू रिमूव दिस सरफेस so that it can react with oxygen while burning. So magnesium forms a thin layer of magnesium oxide on its surface which prevents further reaction. Okay, so it is cleaned with sandpaper before burning. Okay, this is complete solution for this question. Actually magnesium oxygen se reaction karke magnesium oxide ki ek thin layer bana leta hai और इसी को रिमूव करने के लिए मींस हटाने के लिए सैंड पेपर से इसको रब किया जाता है जिससे कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रॉपरली बर्न हो सके और रिएक्शन हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ग्राम कॉपर पाउडर
is taken in a china dish and heated. What do you observe on heating? Number two. Name the substance formed after heating. Okay. And third one is, what change will you see when hydrogen gas is passed on this substance? Next is, write balance chemical equation for the reactions. Okay. This is the complete question. 1 gram copper powder is taken in a china dish एंड हीटेड, मीन्स 1 ग्राम कॉपर पाउडर को चाइना डिश में रख करके उसको हीट किया गया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब देना है. नंबर वन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन हीटिंग, मीन्स हीट करने के बाद क्या ऑब्जर्व करोगे, मीन्स क्या दिखाई पड़ेगा. नेम द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद जो सब्सटेंस बनेगा उसका नाम बताना है. एंड व्हाट चेंज विल यू सी व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ऑन दिस सब्सटेंस, इस सब्सटेंस के ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो क्या चेंज दिखाई पड़ेगा. एंड देन लास्ट वन इज, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस हो रही हैं इस केस में उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है. ओके, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट.
Now you can see in this question, 1 gram copper powder is taken in a china dish and it is heated. So what do you observe on heating? Actually, जब copper powder को china dish में रख के heat किया जाता है तो इससे ये oxygen से reaction कर लेता है और copper oxide बना लेता है, okay? जो कि black color का होता है. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा व्हेन कॉपर इज हीटेड इन अ चाइना डिश it reacts with oxygen and forms a black color copper oxide. Okay. Now second part is name the substance formed after heating. The substance is copper oxide. Actually, this is copper second oxide. Okay, it is CuO. Now, what change will you see when hydrogen gas is passed on this substance? Means copper oxide के ऊपर अगर hydrogen gas pass होता है, तो क्या होगा? So third part is when hydrogen gas is passed on copper second oxide, it changes to brown. Okay. Copper oxide, जो कि black color का होता है, अगर इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं तो फिर से कॉपर बन जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है. एंड लास्ट पार्ट इज राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस. इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है. So last part is, देखिए, when copper is heated, it react with oxygen and form copper second oxide. तो एक reaction इसके लिए होगा, copper when heated in presence of oxygen, it forms copper oxide. Okay, this is copper second oxide. Copper second oxide.
इसको बैलेंस भी करना है, तो हियर इज टू ऑक्सीजन एटम्स, देयर इज वन ऑक्सीजन एटम, सो मल्टीप्लाई इट बाय टू. ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड, नाउ कॉपर इज टू, सो मल्टीप्लाई इट बाय टू. दिस इज बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस पार्ट. एंड देन व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ऑन ब्लैक कलर कंपाउंड CuO प्लस H2, सो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ऑन कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इट फॉर्म्स Cu प्लस H2O. ओके, सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस अगेन इट चेंजेस टू ब्राउन कलर. सो नाउ यू हैव टू बैलेंस इट. Cu वन, ऑक्सीजन वन, हाइड्रोजन टू, दिस इज टू. सो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. सो दीज आर रिलेटेड केमिकल इक्वेशन फॉर द चेंज विच विल यू ऑब्जर्व. ओके, नाउ यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ इट. Now next question is, in the given chemical equation, identify the substance number one getting oxidized number two getting reduced number three oxidizing agent and the last one is reducing agent. Okay, and the chemical reaction is MnO2 plus HCl, it forms MnCl2 plus H2O plus Cl2. Okay, now this is not balanced equation, so you can yourself balance it. Actually in the question the balance equation is given, but you can try to balance it. Here you can see in the right side
क्लोरीन Cl2 टू एटम्स, Cl2 टू एटम्स. सो टोटल एटम्स ऑफ क्लोरीन आर 4 इन द राइट साइड, बट इन लेफ्ट साइड यू कैन सी देर इज 1 एटम ओनली. सो मल्टीप्लाई इट बाय 4. ओके, नाउ यू कैन सी हाइड्रो, इफ यू मल्टीप्लाई HCl बाय 4 देन हाइड्रोजन बिकम्स 4. सो मल्टीप्लाई दिस बाय 2, 2 2s are 4. हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड. नाउ ऑक्सीजन इन लेफ्ट साइड दैट इज 2 एंड इन द राइट साइड दैट इज ऑल्सो 2. सो दिस इज एक्चुअली नाउ बैलेंस्ड. ओके, राइट साइड में 4 क्लोरीन एटम्स था बट लेफ्ट साइड में 1 क्लोरीन एटम है. तो क्लोरीन एटम क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर में है तो सबसे पहले हम क्लोरीन एटम को बैलेंस करते हैं. तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्लोरीन दोनों तरफ बैलेंस हो गया. अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या था, केवल 2 हाइड्रोजन एटम था. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो इन दिस वे दिस इज कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन. सो दिस इज द क्वेश्चन. अब इसमें हमें क्या बताना है, नेम द सब्सटेंस, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मींस कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, ये बताना है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है. ठीक है, एक बात हम यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं कि इससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा कुछ भी पूछा जाता है तो दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक कि ये आप समझ लीजिए कि इन दिस रिएक्शन नो आंसर इज इन द राइट साइड. राइट साइड में हमारा कोई आंसर नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब का आंसर केवल रिएक्शन के लेफ्ट साइड में ही मिलेगा. ओके, अब नेम द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, गेटिंग रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट. तो इसका जवाब देने के लिए आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को रिकॉल करना पड़ेगा. ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्चुअली ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसका मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो भी वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. लाइकवाइज रिडक्शन, रिडक्शन. तो रिडक्शन क्या होता है कि इट इज, ठीक इसको इसका उल्टा आप याद कर सकते हो, हियर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन.
or removal of hydrogen इसमें है, तो इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ओके, तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे. तो अब यहाँ हमें ये देखना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए, MnO2 और यहाँ देखिए MnO2 में से जो MnO2 था इसमें से ऑक्सीजन इधर जाकर रिमूव हो गया, अलग हो गया. ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन, क्योंकि MnO2 जो सब्सटेंस है इसमें से ऑक्सीजन लूज हो रही है, और अगर लूज ना हो रही होती तो Mn के साथ ऑक्सीजन दिखता, क्योंकि अब ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाया, ऑक्सीजन बल्कि अलग हो गया. इट मीन्स हेयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो अब आपको अगर ये बताना है कि नेम द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नेम द सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड. तो सॉरी, यहां पर अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है, यू कैन सी दिस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. ओके, इट इज रिडक्शन. इसका मतलब MnO2 से MnCl2 बन रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि MnO2 से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है. ओके, तो अब अगर आपको कहना है कि नेम द सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस, जिस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी वो सब्सटेंस रिड्यूस होता है, तो इसका आंसर मिल जाएगा नेम द सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस. सेकंड पार्ट का आंसर आपको तुरंत मिल गया कि किस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यानी कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है. तो इसका आंसर होगा MnO2. MnO2 इट इज गेटिंग रिड्यूस, मैंगनीज डाइऑक्साइड. ठीक है, अब जरा इधर देखिए, HCl ये किस में चेंज हो रहा है? या मींस यहां पर, दिस वन HCl से HCl किस में बदल रहा है? Cl2 में. इसका मतलब क्या हुआ कि HCl जब Cl2 में बदल रहा है तो इट मींस HCl में से क्या चीज अलग हो रही है? हाइड्रोजन अलग हो जा रही है. ठीक है, HCl है यहां और यहां Cl2 है, इट मींस हाइड्रोजन इज रिमूविंग फ्रॉम HCl. तो यहां पर क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो यहां आप देख सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हमें क्या कहना चाहिए? ऑक्सीडेशन. तो यहां रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन. ठीक, तो जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है दैट सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड.
या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो। तो यहाँ ऑक्सीजन तो नहीं ऐड हो रही है बट हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो इसमें क्या होगा, नेम द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा HCl, ओके, HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, अलग हो जा रही है, और जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बन गया वो Cl2 बन गया, इसमें से हाइड्रोजन अलग हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट सब्सटेंस विच कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जैक्टली उस तरह से जैसे जो चना बेचने वाला होगा वो चना प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि वो बेच रहा है या उसके पास है, तो जिसके पास ऑक्सीजन होगी, क्योंकि आपको सारा आंसर लेफ्ट साइड से ही मिलना है, तो जिसके पास ऑक्सीजन है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी सिंपली यू कैन आइडेंटिफाई, ठीक है। या ये सोच सकते हो कि जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या जिस सब्सटेंस के पास ऑक्सीजन है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों में से किसी भी तरह आप बता सकते हो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज MnO2, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑब्वियसली अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, क्योंकि यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ओनली, ओके। सो रिड्यूसिंग एजेंट इज HCl, तो दिस इज HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, क्योंकि अगर HCl नहीं होगा तो MnO2 में से ऑक्सीजन रिमूव नहीं हो सकती, ओके। तो इस तरीके से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन व्हाट वे यू कैन फाइंड आउट द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, द सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। सो नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Actually, this is solution means answer for this complete question. This is complete question, okay? And this is the hint. On the basis of this hint, you can find out answer. Now, this class is over today and we will discuss some other important questions related to board examination in the next class. Thank you, students.